Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 30 to 40 मिनट का, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं सभी को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, सब चीजों के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है और साथ में आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंडिया में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर आप SSC, बैंक, रेलवेज का, कोई PCS का, UPSC का या कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं गाइस, तो आपको करंट अफेयर यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज के, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे फिर वो अपने आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई इकोनॉमिक्स हो, हर चीज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में आपको हर चीज का बैकग्राउंड भी बताता हूँ ताकि आपकी जो स्टार्टिंग नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो सके और हम लोग एक अच्छी प्रिपरेशन है जो कि एग्जाम के लिए कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एज यूजुअल। जैसा कि आपको मालूम है ड्रिल, सबसे पहले जो है कल के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में देखेंगे आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। कल का पहला सवाल था, श्याम जी कृष्णा वर्मा जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई मोदी जी के द्वारा, वह कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ये आसाम के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया है? तो सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला अधिकारी है, अगर मैं उनकी बात करूं दोस्तों, अदाकारा, अधिकारी नहीं, अदाकारा जो है वो कौन है दोस्तों, सोफिया। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कॉफी टेबल बुक है जो कि रिसेंटली लॉन्च करी गई है, और कॉफी टेबल बुक की बात करूं गाइस तो ये किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया था। कैलेडोनिया के बारे में आपको बताना है दोस्तों, रिसेंटली कैलेडोनिया ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मना कर दिया, कौन से देश से? फ्रांस से दोस्तों, तो भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे दोस्तों कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप अपना रेफरल कोड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 या फिर Gunesh10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको सारे सब्जेक्ट की सभी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी, चाहे आप बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, IIT, CAT, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया में, सब जगह पे आप BHU10 या Gunesh10 यूज कर सकते हैं। मेरा दोस्तों SSC के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां पे 3-4 दिन के अंदर हिस्ट्री की शुरुआत है जो कि मैं करने वाला हूँ। अगर किसी ने मुझसे हिस्ट्री नहीं पढ़ी है गाइज, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ, स्टैटिक GK और साइंस मैंने यहाँ पे एंड करवा दिए, ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ गाइज, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। फिर मैं आपको पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी आपको कंप्लीट तैयारी है जो कि करने को मिल जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर के जो 5 साल 3 साल के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत मजा आ जाएगा अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो। SSC के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए है ये। साथ में अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो UPSC के अंदर भी अगर आपको प्रीलिम्स, मेंस प्लस कंप्लीट ऑप्शनल के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मेरे 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं UPSC के लिए। SSC का मात्र 450 रुपए पर मंथ के अंदर है। ठीक है, साथ में मेरी फ्री क्लासेस की बात करें तो UPSC की फ्री क्लासेस 10 बजे होती है NCERT की, SSC की होती है 11 बजे 3 मंथ चैलेंज में, और रेलवे की जो क्लास है वो 2 से 3 बजे के बीच में होती है। ठीक है गाइस, आज 2 बजे क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे की क्लास। ओके, करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप ओपन करो, ऊपर सर्च करो Gunesh और फॉलो कर लो, फॉलो करते ही आपको मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आज से कौन सा डे देखते हैं जो कि यहाँ पे कबीर के द्वारा भेजा गया है, किसी के साथ कभी गलत करो तो डैश अपनी बारी का भी इंतजार भी जरूर करना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोली गई है गाइस, अगर आप जीवन में किसी के साथ में गलत करते हो, गलत व्यवहार करते हो या कोई भी गलत चीज है जो कि कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो यकीन मानिए दोस्तों आप अपनी भी बारी के बारे में इंतजार जरूर करेगा, क्योंकि वक्त लौट के जरूर आता है। दुनिया गोल है दोस्तों, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो चीज आपके द्वारा जाएगी वही आपके पास में वापस आएगी। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए लेकिन आपको उसका रिजल्ट है जो कि जरूर मिलेगा।
रिजल्ट जो होता है दोस्तों वो जरूर मिलता है कुछ भी आप करते हो। तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप गुस्सा करते हो किसी के ऊपर तो क्या आपको लगता है कि वो सजा सामने वाले को मिल रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गुस्सा करने से सजा सामने वाले को मिल रही है तो ये आपकी गलत फहमी है गाइस। सबसे पहले गुस्सा करने पे सजा जो है वो आप ही को मिलती है, क्योंकि आप ही के अंदर बेचैनी आती है, आप ही परेशान होते हो तभी तो गुस्सा करते हो। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, सबसे पहला पर्सन जो इफेक्ट होगा वो आप ही होंगे। ठीक है, तो ये कई बार जो है रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिलते हैं, बस इंसान को समझ में नहीं आती उन रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप इस बारे में ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी का गलत मत करो, गलत किसी के बारे में बोलो मत। अगर कोई कुछ भी कर रहा है लेट हिम डू, करने दो उसको, बस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी जो करना है किसी को करने दो, गलत मत बोलो, सबके अच्छा करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ नहीं होता, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है लेकिन चलता है इतना। ठीक है गाइस, अच्छा इंसान वही होता है जो खुद के साथ में कैसा हो कभी भी अपने प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मिशन यूपीएससी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ है ना उसकी कंप्लीट डिटेल के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं सोर्सेज तक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा ज्वाइन करके। चलिए आज का दिन तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हथरस रेप गैंग रेप हुआ है यहाँ पे स्मूथ प्रॉप को लेकर, कि यानी कि जो भी जांच पड़ताल हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो, यूपी गवर्नमेंट जो फैमिली है इनको सिक्योरिटी भी अवेलेबल करवाए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। और आपको मालूम है कि जो फैमिली है उन्होंने दिल्ली के अंदर केस ट्रांसफर करने के लिए बोला था, क्योंकि तो यूपी के अंदर तो केस जो है वो इतने अच्छे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी, तो उसको लेकर भी अभी फैसला कुछ दिन में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के अंदर भी आपको मालूम है एक रेप केस हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसके भी 4 लोगों को यहाँ पे लाइफ टर्म है जो कि दिया गया है। यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के अंदर, तो यहाँ पे नीतीश कुमार को एनडीए का लीडर है जो कि बीजेपी के द्वारा घोषित किया गया। शाहीन बाग वाले मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने वाला है कि राइट टू मूवमेंट के साथ में राइट टू प्रोटेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको लेकर डिसीजन आने वाला है कि भाई प्रोटेस्ट करना भी जरूरी है लेकिन क्या आप किसी के मूवमेंट को रोक सकते हो क्या, किसी भी रोड को ब्लॉक करके मूवमेंट कोई प्रोटेस्ट कर सकते हो क्या? तो इसी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने वाला है। 50% कैपेसिटी के बाद में सिनेमा हॉल की ओपनिंग होने वाली है। यहाँ पे आपको मालूम है दोस्तों किसानों को लेकर अभी पूरी अपोजिशन पार्टी है जो कि प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, ये क्वाड मीटिंग के बारे में बताया गया है कि माइक पोम्पियो ने जो है वो चाइना को काफी क्रिटिसाइज किया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कल ही हम क्वाड कंट्रीज के बारे में बात कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो कि हमारे फिजिक्स के नोबेल अवार्ड को लेकर, जो कि 3 ब्लैक होल रिसर्चर को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली न्यूज, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, एक तो रॉजर पेनरोज है ब्रिटेन के, यहाँ पे गैंजेल है जर्मनी की, और एंड्रिया है दोस्तों यूएस के, इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज से दोस्तों सम्मानित किया गया है। ओके गाइज, और नोबेल कमिटी ने अनाउंसमेंट किया है जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने ब्लैक होल के बारे में रिसर्च करी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, उसको लेकर इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइज, जो पेनरोज है ये जो पर्सन है पेनरोज, ओके 89 साल के ये, और इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, ओके उसके द्वारा बताया कि किस तरीके से ब्लैक होल का फॉर्मेशन है जो कि होता है। साथ में अगर मैं यहाँ पे गैंजल के बारे में बात करूं, ये भी 68 साल के हैं और ये 55 साल की है, मतलब एंड्रिया, ओके इन दोनों को जॉइंटली साथ में मिला है, जॉइंटली इन दोनों को मिला और इनको अलग से मिला है। तो इन दोनों ने दोस्तों जो काम किया है वो ये बताया कि इन्होंने डिस्कवर किया है कि किस तरीके से अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट, ओके स्टार की ऑर्बिट के अंदर होता है तो किस तरीके से वो उस एरिया को गवर्न करता है। आपको मालूम है अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा पैन रखूं और एक छोटा सा पैन रख दूं, तो बड़ा पैन के अगर, बड़ा पैन जो है छोटे पैन को गवर्न करेगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर, अगर समझ रहे हो, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो आपको मालूम है ना सन की ही तो ग्रेविटेशनल पुल है, सन की ही तो एनर्जी है जिससे हमारी अर्थ भी गवर्न हो रही है। तो वो बात जो कि इन्होंने यहाँ पे दोस्तों डिस्कवरी करी है, एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट जो है ऑर्बिट ऑफ स्टार को कैसे गवर्न करते हैं सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के अंदर, उसके बारे में दोस्तों इन्होंने काफी रिसर्च है जो कि करी है, समझ गए बात। साथ में जो एंड्रिया है दोस्तों ये चौथी महिला है जिसको फिजिक्स के अंदर नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 1901 के अंदर, 1901 के बाद से, मतलब आपको मालूम है 1901 में जो पहली बार नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला था वो किसको मिला था, रोंगटंग को मिला था। रोंगटंग साहब ने क्या किया था, एक्सरे की डिस्कवरी करी थी, समझ रहे हो,
फिजिक्स में सबसे पहली बार किसी महिला को नोबेल अवार्ड मिला था 1903 में, किसको, कौन थी, मैरी क्यूरी, याद है क्या आपको, क्यूरी फैमिली, जिनके हस्बैंड को भी, उनके बेटी को, उनके बेटी के हस्बैंड को, पूरे परिवार ने नोबेल अवार्ड जीते हुए। ओके, तो मैरी क्यूरी जो फैमिली है दोस्तों, उसमें जो मैरी क्यूरी है, जो क्यूरी फैमिली थी, उसमें मैरी क्यूरी जो है, उनको 1930 के अंदर दोस्तों फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला। पहली महिला बनी जिनको दो अवार्ड मिले अलग अलग फील्ड में, 1911 के अंदर उनको, मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री का भी नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक होल के बारे में जो है काफी जानकारी दी गई, रिसर्च करी गई, इसी वजह से ये अवार्ड है जो कि इनको यहाँ पे मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर भी दोस्तों पेनरोज जो है वो प्रोफेसर है। ओके, 1965 के अंदर भी इन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग करी थी कि कैसे ब्लैक होल का फॉर्मेशन है जो कि होता है। ओके, इन्होंने उसके बारे में बताया था। तो आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बनता है यहाँ पे, वो यही बनता है कि ये ब्लैक होल जो है ये क्या है, ये क्या कहानी है जिसके बारे में आप लोग बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं। पेनरोज साहब ने जो है स्टीफन हॉकिंग्स के साथ में भी काम किया है। ओके, और 2018 के अंदर मृत्यु हुई थी, आपको मालूम है, स्टीफन हॉकिंग की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, और साथ में आपको मालूम है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है उसने भी एक्सट्रीमली हैवी इनविजिबल ऑब्जेक्ट, जिसको अपन ब्लैक होल बोलते हैं, जो कि 4 मिलियन टाइम ज्यादा बड़ा है सन से, उसकी भी बारे में भी दोस्तों कुछ टाइम पहले पता गया था, फोटो खींची थी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बताता हूँ आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको जान के। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपका स्टार तो आपको मालूम है क्या होता है, रात को स्टार देखते हो ना, बहुत छोटे छोटे से नजर आते हैं। ये छोटे छोटे नजर इसलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, पहली बात तो। दूसरी बात, साइज इनका बहुत ज्यादा बड़ा है वैसे सन से, लेकिन बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे नजर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक नेबुला बनता है, नेबुला कुछ नहीं होता है, गैस का गुबार है, समझ गए। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि जब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में ये एक तो स्टेबल स्टेज में पहुंच जाता है, या तो, या एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार है जो कि ये बन जाता है। अब ये मैस जो ये स्टेबल स्टेज है, इसमें कन्वर्ट होता है ये किसमें, रेड जायंट के अंदर। हमारे वाला जो सन है ना, वो भी स्टार है, आपको मालूम है ना, हमारा जो सन है वो भी तो एक स्टार है। वो कौन से वाले फेज में है अभी, इस वाले फेज में है अभी, रेड जायंट वाले। अगर मैसिव स्टार बन गया वो, तो वो रेड सुपर जायंट भी बन सकता है। रेड सुपर जायंट के बाद में वो सुपरनोवा बनेगा, सुपरनोवा से दोस्तों या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाता है ये, यहाँ पे आके पूरी तरीके से कोलैप्स होने के बाद ये ब्लैक होल है जो कि बनता है। दूसरी तरफ हमारा जो सन है, ये मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, उसके बाद में व्हाइट डार्क, और फिर ये पूरी काले कलर का हो जाएगा और अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर देगा, समझ गए। तो ये दोस्तों लाइफ साइकिल होती है स्टार की। हमारा वाला जो सन है वो ये वाली स्टेज के ऊपर है अभी, वो ब्लैक डार्क बनेगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव स्टार रेड सुपर जाइंट बन जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है सुपरनोवा के बाद में उसकी ब्लैक होल के बनने की, समझ गए मेरी बात। और ये ब्लैक होल होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि हमारे स्पेस के अंदर है, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसमें से कुछ भी पास नहीं हो सकता। जैसे कि मैं ये इसको यूनिवर्स मान रहा हूं, ये अपना यूनिवर्स है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो स्पेस है ना पूरा, ये यूनिवर्स है, इसको मान के चलो। अब यहां पे दोस्तों एक ऐसा एरिया, ये एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का ही है, समझ गए, लेकिन एक ऐसा स्पेस है ये, इसलिए मैं इसको इस कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ सको कि पूरे हमारे यूनिवर्स में ऐसा ही एक स्पेस है, एक होल है ब्लैक होल जिसको अपन कहते हैं। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें से कुछ भी पास नहीं हो सकता, ना कोई रेडिएशन हो सकती है, ना कोई लाइट हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। चार प्रकार के दोस्तों ब्लैक होल है जो कि पाए जाते हैं वैसे। एक स्टेलर होता है दोस्तों, ओके, जो कि काफी बड़ा होता है, मतलब स्टार के कोलैप्स होने के बाद में बनता है, 5 to several tons ऑफ सोलर मास, ओके, 5 से लेकर 100 गुना तक जो है हमारा सन है ना उसके मास के बराबर होता है। एक सुपर मैसिव होता है जो कि 1000 गुना ज्यादा सन से बड़ा होता है। एक इंटरमीडिएट भी होता है, ओके, और एक मिनिएचर होता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल ब्लैक होल होता है। इससे चार प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लैक होल कौन सा होता है, सुपर मैसिव होता है।
अब देखिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि हर एक सोलर सिस्टम के अंदर, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, इसके अंदर भी दोस्तों ब्लैक होल अवेलेबल है। समझ गए? फर्स्ट फोटो दोस्तों ब्लैक होल की ली गई थी, आपको मालूम है, कुछ इस प्रकार की, याद है क्या? ये फर्स्ट फोटो है जो कि ब्लैक होल की, अभी 2018 के अंदर ही ली गई थी। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है दोस्तों स्पेस का, जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पुल होता है कि उसमें से कोई लाइट या कुछ भी चीज पास नहीं होती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर ब्लैक होल में से कोई चीज पास हो जाए ना, तो वहां पे दोस्तों टाइम जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। इंटरस्टेलर मूवी देखिएगा, इंटरस्टेलर मूवी देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। ओके, उसके अंदर कुछ इसी प्रकार की चीजें बताई गई है कि जो टाइम जो है, अगर आप पास कर लेते हो ब्लैक होल को या कोई ऐसे रीजन को, तो टाइम जो है वो अलग ही डायमेंशन में चले जाता है। फिर आपका उम्र नहीं बढ़ती है, या फिर बढ़ेगी तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी थ्योरीज हैं। तो एक ये ब्लैक होल क्या है, एक बिग स्टार है जो कि डाई हो जाता है। ठीक है, बिग स्टार है जो कि कलेप्स होता है। और ये देखिए साइंटिस्ट दोस्तों ये मानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है वो कब बना था, जब हमारी अर्थ बनी थी। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल भी दोस्तों क्रिएट हुआ जब हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए 30,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है सन से ब्लैक होल, 20 लाइट ईयर अवे होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ओके, और जो काफी बड़ा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, व्हाट डज ए ब्लैक होल डू, क्या कर सकता है ब्लैक होल? ब्लैक होल दोस्तों ट्रेवल करता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। साइंटिस्ट को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि अगर आप ब्लैक होल को पास कर लोगे तो क्या होगा। हालांकि कई सारे ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशंस बताते हैं, जैसे कि मैंने स्पेस और टाइम के बारे में बताया ना, स्पेस टाइम के बारे में, जो कि आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके अंदर भी बताया गया था। स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके बारे में बताया था कि उसके बाद में स्पेस और टाइम का पूरा पैरामीटर ही चेंज हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये बात है जो कि बोली गई थी। और स्पैगेटिफिकेशन, ये एक वर्ड जो कि दिया गया था, ठीक है, और इसमें बताया गया था कि अगर आप ब्लैक होल में चले जाते हो तो चारों डायरेक्शन में जो है बॉडी की पुलिंग है जो कि होती है। ठीक है, ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा बताया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जो है काफी जानकारी मिल गई होगी और काफी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल वर्ड ये है कि जो एक स्टार है उसका लाइफ साइकिल का जो एंड होता है ना, वो एक ब्लैक होल होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बायो डिकम्पोजर के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो डिकम्पोजर दोस्तों क्या होते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर रिसेंटली लॉन्च करे जा रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे बायो डिकम्पोजर को, ठीक है गाइज, ताकि जो स्ट्रॉ जो होती है ना, स्टबल जो होते हैं फील्ड के अंदर, जो लोग स्टबल बर्निंग करते हैं ना, वो नहीं करें और वहां पे डिकम्पोज कर दी जाए मैदान को, और उसके बाद आप वहां पे खेती कर सकें। समझ गए? जो भी वहां पे जलाया जाएगा वो एक मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगी। तो बर्निंग को, आपको मालूम है कि काटने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों खेती को, जब आपको दूसरी खेती करनी होती है तो लोग क्या करते हैं कि उसको जला देते हैं, तो उससे क्या स्टबल बर्निंग जिसको अपन कहते हैं, तो उससे क्या बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। और सर्दियों में तो ऑलरेडी आपको मालूम है दिल्ली की हालत खराब हो ही जाती है। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जो कि आप खेतों पे स्प्रे कर दो तो वो डिकम्पोज हो जाएगा पूरा का पूरा। छोटे छोटे आपके पार्ट बचते हैं ना जो खेती करते टाइम, वो पूरा का पूरा, और वो खाद बन जाएगी। ऐसी दोस्तों ये पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये सोल्यूशन बताया गया है स्टबल बर्निंग का। समझ गए मेरी बात? इसकी कॉस्टिंग भी कोई नियर बाय 20 लाख के आसपास की आ रही है एक फील्ड के ऊपर करने के ऊपर, और वीट और मस्टर्ड की खेती के ऊपर किया जा रहा है। अभी तो 20 से 25 दिन के बाद में जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए स्टबल बर्निंग के ऊपर सवाल आता है पेपर में, जो भी इसके सोल्यूशन आते हैं ना, जो लेटेस्ट सोल्यूशन होते हैं उसके ऊपर एग्जाम में सवाल बनता है। अभी 4 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ है सिविल सर्विसेज का, प्रीलिम्स का, उसके अंदर भी सवाल बना था, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो साइंटिस्ट ने दोस्तों एक बायो डिकम्पोजर टेक्निक बनाई जिसको नाम दिया गया है पूसा डिकम्पोजर। इससे क्या करोगे आप, क्रॉप के स्टबल को कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, यानी कि जो छोटे छोटे जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, मतलब जो
कटिंग करने के बाद में जो रह जाते हैं पेड़, तो क्या बोलेंगे जो खेती करते हो, तो उसको कन्वर्ट कर देगा ये किसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर, जो खाद है ना उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो फंजाई है ना उससे दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। ये फंजाई दोस्तों हेल्प करेगी एंजाइम बनाने में जो कि डिग्रेडेशन करेंगे प्रोसेस को। इसके अंदर डिकम्पोजर मिक्सचर होगा जिसके अंदर लिक्विड बनाया जाएगा और 8 से 10 दिन के अंदर उसको फर्मेंट किया जाएगा। उसके बाद में मैदानों के ऊपर स्प्रे किया जाएगा और धीरे धीरे दोस्तों स्टबल का बायो डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। 25 लीटर जो लिक्विड है वो 4 कैप्सूल से बनाए जा सकते हैं, जिसमें गुड़ भी डालते हो आप, है ना, चिकपी भी डालते हो, और 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर आप 25 लीटर को आप स्प्रे कर सकते हो। नियर बाय 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, और 45 दिन के अंदर तो पूरी तरीके से नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कंप्लीट काम है जो कि वहां पे हो जाएगा। ओके गाइस, अब बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि फार्मर को ऐसा नहीं हो जाए कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए और फार्मर अपनी जो खेती है ना वो डिले हो जाए, बस ये कंसर्न है। वो अभी ट्राई करने के ऊपर पता लग जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो डीकम्पोजर से क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी सॉइल की इंप्रूव हो जाएगी, हमारे जो मैनुअर है खाद है उसकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, समझ रहे हो। जलाने से आपकी जो सॉइल है उसकी रिचनेस जो होती है ना वो भी खराब हो जाती है, तो वो भी दोस्तों खराब नहीं होगी। और हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आग लगाने की वजह से वो भी खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये बच जाएगा उससे। हमारी लैंड जो है वो इफेक्टिव चीपर प्रैक्टिकल टेक्निक से दोस्तों हम इसको बचा सकते हैं। इको फ्रेंडली तरीका है, एनवायरमेंटली टेक्नोलॉजी है मतलब, और इसको हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर भी काम में ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी रिसेंटली सवाल आया था यूपीएससी में, जीरो टिलेज के बारे में पूछा था, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इस तरीके का सवाल पूछा गया था। अब ये जीरो टिलेज जो है ना ये आपके स्टबल बर्निंग को लिए काम में आता है, स्टबल बर्निंग को बचाने के लिए। ये देखिए ये क्या होता है कि इस तरीके से ऊपर ऊपर से काटते हैं, डायरेक्ट सीडिंग है जो कि इसके अंदर करी जाती है, मतलब डायरेक्टली आप इसके अंदर क्या करते हो, सीडिंग करते हो। गाइस ऐसे जीरो टिलेज वाले इक्विपमेंट आते हैं मार्केट के अंदर, ट्रैक्टर आते हैं जो कि कट करते हैं राइस के स्ट्रो को ऊपर ऊपर से, दिख रहा है आपको यहां से, यहाँ से ये ट्रैक्टर जीरो टिलेज इक्विपमेंट बोलते हैं इनको, ये ऊपर से काटते हैं और उसके बाद में जो सॉइल है ना उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा के बिना हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं इसके अंदर बीज है जो कि लगा देते हैं। तो ये सवाल है जो कि अभी रिसेंटली बना था, तो वापस से सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। पेज नंबर 7 की बात करेंगे जो कि यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे किसको लेकर, इन्फेक्शन को लेकर। हमारे यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम पहले 98,000 केसेस है जो कि पहुंच गए थे आपको मालूम है सेप्टेम्बर के अंदर, और उसके बाद में केसेस जो है धीरे धीरे कम होते चले गए। अब आपको लगता होगा कि सर केसेस कम हो रहे हैं इसका मतलब कोरोना कम हो रहा है क्या, तो ये आपकी गलतफहमी गाइस। हालांकि अच्छी बात तो देखो एक्चुअली में अगर आप टेस्टिंग देखोगे ना तो टेस्टिंग हमने जब ये 98,000 बढ़े थे उसके बाद में हमने टेस्टिंग को भी कम कर दिया। टेस्टिंग कम करने से क्या हुआ कि हमारे केसेस भी दोस्तों कम हो गए, अदरवाइज अभी तक हम लोग गोल्ड मेडल है जो कि जीत चुके होते। अच्छी बात यह है कि चलो ठीक है जो भी है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि टेस्टिंग को कम किया था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में हमने टेस्टिंग को वापस से बढ़ाया ना तब भी थोड़े बहुत केसेस हमको कम रजिस्टर हुए, तो यहाँ पे टेस्टिंग तो देखो ऊपर नीचे होती जा रही है और जो अभी हमारे यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये अच्छी बात है कि जो भी डेथ हो रही है या जो भी हमारे यहाँ पे रिकवरीज हो रही है वो अच्छी हो रही है और केसेस थोड़े कम आ रहे हैं। और अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो टेस्टिंग में मैं ये नहीं बोल सकता कि टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, कभी टेस्टिंग कम हो रही है कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, लेकिन केसेस का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये अच्छी बात है। ये देखिए ठीक है, तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 की दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया है वो राफेल भी दोस्तों एयरफोर्स डे की परेड के अंदर शामिल होगा, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। आपको मालूम है 8th of October क्या होता है, 8th of October को हमारा एयरफोर्स डे है जो कि होता है, तो इस बार पहली बार राफेल को भी दोस्तों हिंडन एयरबेस 8 अक्टूबर को जो परेड होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है गाइस, एक विजय फॉर्मेशन बनाया जा रहा है जगुआर के साथ में और मिराज के साथ में, इस बार हमारा कौन सा है 88 एयरफोर्स डे है, 56 एयरक्राफ्ट है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें हमारे काफी सारे मतलब एयरक्राफ्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मेशन है, आपसे अगर डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर में पूछेंगे, एक तो विजय फॉर्मेशन है जगवार और मिराज और साथ में राफेल के साथ में,
इसी प्रकार से एक फॉर्मेशन और किया जा रहा है यहाँ पे, इसका नाम है एकलव्य। अभी ये एकलव्य फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग, MI-35 हेलीकॉप्टर, AH-64 अपाचे। हेलीकॉप्टर के लिए तो आपका एकलव्य है, और आपका विजय फॉर्मेशन में आपके फाइटर जेट है जो कि हम लोग काम में ले रहे हैं। समझ गए? अब थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी चल लेते हैं कि हमारे एयरफोर्स के बारे में। सबसे पहले थोड़ा बहुत राफेल के बारे में जान लेते हैं। 2016 में एग्रीमेंट हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में, समझ लो 7 बिलियन यूरो के अंदर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ 36 राफेल जेट देने को लेकर। 36 मंथ के अंदर डिलीवरी करनी थी, 67 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी थी, 2022 तक कंप्लीट आ जाएंगे। अभी तो आपको मालूम है बहुत 3-5 ही आए थे मेरे ख्याल से अभी तो, ठीक है। तो जब ये नेगोशिएशन करी गई वो भदुरिया जी के द्वारा करी गई, और राफेल के बारे में ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है आपको सब कुछ मालूम ही है, ठीक है। राफेल के बारे में तो 50 बार डिस्कशन कर चुके हैं। इंडिया की प्रिपेयरनेस की बात करें तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है। जो दूसरा वाला स्क्वाड्रन बनाएंगे ना उसको हम लोग हशीमारा बेस है वेस्ट बंगाल में, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं भारतीय एयरफोर्स के बारे में बात करूं गाइस, तो 1932 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था, और अभी नियर बाय 1.5 लाख के आसपास लोग हैं जो कि काम करते हैं। दुनिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट एयरफोर्स है जो कि दुनिया में US, रशिया, चाइना के बाद में मानी जाती है। हिंडन बेस के ऊपर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, और जो कि गाजियाबाद में लार्जेस्ट एयरबेस है जो कि एशिया के अंदर और पूरी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को बनी थी, और उस टाइम पे इसका नाम रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन हुआ करता था, ठीक है गाइस। 1933 में क्या हुआ, फर्स्ट स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की कमीशन करी गई दोस्तों, और 5 पायलट है जो कि उसके अंदर इंक्लूड करे गए। 5 पायलट को ब्रिटेन के द्वारा ट्रेन किया गया, और 1943 के अंदर एक स्क्वाड्रन बनाई गई अर्जन सिंह जी के अंडर के अंदर, और जो कि बाद में जाके हमारे मार्शल भी बनते हैं इंडियन एयरफोर्स के। 45 के अंदर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, उस टाइम पे भी दोस्तों रॉयल एयरफोर्स जो है, रॉयल जो ये वर्ड है ना, ये ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज सिक्स्थ के नाम पे यूज होता था, तो ये उसको हटा दिया गया, ठीक है गाइस। रॉयल वर्ड जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया, और इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपको मालूम है, चाहे 1971 की वॉर हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, कई जगह पे दोस्तों एयरफोर्स ने हमें मदद है जो कि अवेलेबल करवाई है। गोवा को पोर्चुगीज से एनेक्सेशन करने को लेकर हो, ठीक है गाइस, पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर हो, बहुत जगह पे जो है काम किया 1971 वॉर के अंदर। ओके, परमवीर चक्र जो है वो पोस्टमिसली दिए गए थे, जीत सिंह हमारे फ्लाइंग ऑफिसर थे। HAL ने दोस्तों HF-24 मेरिट नाम से इंडिया का पहला डेवलप्ड जेट एयरक्राफ्ट दोस्तों बनाया था, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। हमारे कमांडर इन चीफ कौन होते हैं एयरफोर्स के, और हमारे आर्मी के, नेवी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि होते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्तों एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगुल के अंदर है, पायलट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इलाहाबाद में किया गया, एरोस्पेस मेडिसिन जो है बैंगलोर में है, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने बना रखे हैं। हमारे पास में मिग है, सुखोई है, बोइंग, जगुआर, तेजस, ओके, बहुत सारी चीजें है, ध्रुव है जो कि हमने इंडिजिनियसली बनाया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों जो कि अहमद अदीब को लेकर है। अहमद यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो बनाई गई है, बनाई तो क्या कही है, मतलब ओरिजिनल फोटो है। अभी आपको मालूम है ना अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी जो है, भाई साहब ये देखो रॉकेट आके गिरा है पास में, मतलब यार कितनी डेंजरस कंडीशन हो रखी है आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर कि एक रॉकेट आके गिर गया, मतलब वो लोग इसके पास से गुजर रहे हैं, मतलब कभी भी फट सकता है कुछ बताएंगे, हालांकि फटा नहीं, मतलब अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोडेड था मतलब, लेकिन रॉकेट आके गिर रहे हैं यार, मतलब कितनी बड़ी बात है। और ये मेन सिटी है, मतलब काराबाग की मेन सिटी है, समझ रहे हो, वहां पे ये रॉकेट आके गिर रहे हैं, मतलब क्या क्या है यार ये। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पे पीस है जो कि आ जाएगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है दोनों देशों के ऊपर, और सीज फायर है जो कि यहाँ पे हो सकती है। इसके बारे में डिटेल मैंने एक दो दिन पहले ही है जो कि आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बात करते हैं, अहमद अदीब को लेकर 20 साल की सजा हुई है दोस्तों करप्शन के चक्कर में। फॉर्मर मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट थे ये, पेपर में पूछेंगे, और इनको गिल्टी है दोस्तों जो कि मान लिया गया है। किस लिए? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में,
अब्यूज ऑफ पावर, साथ में करप्शन के चार्जेस है जो कि यहाँ पे प्रूव हो गए हैं, तो काफी क्लोज है। जो कि पहले प्रेसिडेंट हुआ करते ना अब्दुल्ला यमीन, उनके काफी क्लोज है जो कि माने जाते हैं ये अभी। और फॉर्मर जो रूलर थे उनको मारने के कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी दोस्तों इनको जो है जेल करी गई है ना, 2015 के अंदर मारने की कोशिश करी थी इन्होंने। 2 मिलियन रुपया का फाइन भी है जो कि इनके ऊपर लगाया गया है। और कई सारे रिसोर्ट जो है डेवलपमेंट के ऊपर टूरिज्म कंपनीज को पैसा खिलाने पैसा लेने का अक्यूज है जो कि इनको किया गया था। और पता है कितने का है? 260 मिलियन डॉलर का करप्शन है। बाप रे, सोचो। ठीक है गाइस, जो इनके साथी थे यमीन, वो तो ऑलरेडी दोस्तों 5 साल के लिए जेल में ऑलरेडी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2013 से 2018 है ना उनका जो टेन्योर था ना, उस टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर भी प्रूव हो गया था, तो वो भी जेल में। अब उनके जो दोस्त हैं ये भी जेल के अंदर जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मालदीव्स की बात करें तो देख सकते हो आप हमारे इंडिया के नीचे छोटा सा कंट्री है, मेल करेंसी है, और हमारे इंडियंस भी कई सारे रहते हैं। 3-4 लाख की पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। अभी इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट है, ठीक है। 1965 में यूके से इनको आजादी है जो कि मिली थी। रुफिया है जो कि यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है। चलिए आगे बात करते हैं, संदीप सिंह जो है यहाँ पे अक्यूज कर रहे हैं कि आपने देखो ना मोदी जी कुछ करते हैं तो आप तो बोलते हो मोदी जी के स्कीम के बारे में, राहुल गांधी जो है वो सोफा लगा के घूम रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या ये बोलने वाली बात है? बहुत ही खतरनाक इंटेलेक्चुअल दिमाग है जो कि यहाँ पे संदीप सिंह ने लगाया है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल परसों बताया था, है ना, टैटू की फोटो जो है उसके बारे में मैंने बोला भी था, लेकिन वैसे ये बोलने वाली कोई बात भी नहीं है। ना तो ये कोई स्कीम है ट्रैक्टर वाली, ना ये कोई इंपॉर्टेंट है किसी और चीज को लेकर। ओके, मोदी जी पावर के अंदर है, उनका जो भी काम है वो डिस्कस करना जरूरी है। कल को अगर मनमोहन सिंह जी अगर मान लो प्रधानमंत्री या बाद में कोई और भी बनता है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी तो बूढ़े हो गए बेचारे, वो तो क्या बनेंगे, कोई भी बनता है तब हम उनके बारे में भी बात करेंगे, समझ गए? तो चिंता मत किया करो, ऐसे लोड मत किया करो। वाह यार, मतलब ये तो वो वाली बात है कि देखो आपने उसके बारे में तो बोला, उसके बारे में तो बोला ही नहीं, है ना। मतलब ये कौन सी बात है कि बच्चों वाली बात है, जो बचपन में नहीं करते थे कि है ना, देखो कल भी तो आज उसने मुझे कुछ बोला है ना, परसों उसने मुझे कुछ बोला था। सही है यार, ग्रेट है। मतलब जो एक बात बताओ, आपके घर के अंदर जो जिसके पास सबसे ज्यादा रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसी से तो आप सवाल करते हो। अरे पापा से ही तो, पापा से अगर एक बात बताओ, अगर आपके पापा कोई डिसीजन लेते हैं, मम्मी कोई डिसीजन नहीं लेती है, तो अगर वो डिसीजन सही है गलत कुछ होता है तो पापा से तो बात करोगे ना उसके बारे में, मम्मी से थोड़ा ना बात करोगे। मम्मी ने तो वही तो बेचारी वैसे ही कुछ नहीं, उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। पापा से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि पापा से आप डरते हो। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं यार, एक ही बात है ना, होता रहता है। चलो चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 14। संदीप सिंह को ब्लॉक करो। अरे नहीं, ब्लॉक ब्लॉक मत करो यार, कैसे मत, ब्लॉक ब्लॉक से क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक कभी नहीं करना चाहिए, गलत बात। ठीक है, चलिए गाइस आगे बात करते हैं, एसबीआई चेयरमैन को लेकर दिनेश, देखो सबको बोलने का हक है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या ऐसे कमेंट से एंटरटेनमेंट हो जाता है अपना भी, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, कोई बात नहीं, सबको बोलने का हक है, अपने अपने जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो है तो जरूरी है। मतलब देखो अगर पूरे देश में सारे एक जैसे लोग हो जाएंगे तो कभी डिस्कशन कैसे होगा। तर्क और वितर्क की जो संभावना है वो हमेशा डेमोक्रेसी में रहनी चाहिए, हमारे देश में रहनी चाहिए। बस ये है कि तर्क और वितर्क सही तरीके से हो, सही जगह पे हो, सही लोगों से हो तो थोड़ा सा मजा आता है। और बाकी अगर तर्क वितर्क में कोई तर्क ही अगर अच्छा नहीं है तो फिर वितर्क करने का तो मतलब बनता नहीं है, तो वो फनी बन जाता है, समझ गए मेरी बात। तो वो फनी चीज हो जाती है, तो वो भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट वरना कैसे होगा। अगर मोदी जी जो है अगर उसके अंदर अगर हाथ नहीं फैला रहे होते टनल के अंदर, तो एंटरटेनमेंट कैसे होता हमारा।
अगर राहुल गांधी जो है वो बढ़िया से ट्रैक्टर के ऊपर जो है बढ़िया सीट कवर के साथ में बैठा नहीं होते तो एंटरटेनमेंट कैसे होता? तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि बैंक वालों के लिए तो है ही और एसएससी वालों के लिए भी है। एसबीआई चेयरमैन के बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस? चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनेश खारा जी को एसबीआई का नए चेयरमैन है जो कि अपॉइंट किया गया है, ठीक है गाइस? ध्यान रखिएगा, और कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है आपको मालूम है, ओके? 3 साल के लिए इनको चेयरपर्सन है जो कि अपॉइंट किया गया है। 7th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज से ही है अपना कार्यभार है जो कि संभालेंगे। और किसको रिप्लेस करेंगे? रजनीश कुमार को ये रिप्लेस है जो कि करने वाले हैं, ठीक है गाइस? इनका कार्यकाल एंड हो रहा है 7th ऑफ अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, दिनेश खारा जी, ओके गाइस? चलिए ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई। एसबीआई के बारे में आपको मालूम है गाइस, किसी जमाने में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कैलकटा हुआ करते थे, तीनों मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने 1921 के अंदर, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बना 1955 के अंदर, ठीक है गाइस? चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडोज। देखो ये टॉर्पेडो क्या होता है, देखो हमने क्या किया है दोस्तों, एक सक्सेसफुल है ना सुपरसोनिक मिसाइल जो है, अभी एक मिसाइल लॉन्च करी है जिसके द्वारा हम टॉर्पेडो को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे से टॉर्पेडो क्या होता है, ये दोस्तों अंडर वाटर मतलब समुद्र के अंदर, ओके, अंडर या उसके ऊपर जो है वेपन होता है जो कि हम पानी के अंदर यूज करते हैं, समझ गए मेरी बात? पानी के अंदर यूज करने के लिए एक तरीके से बॉम्ब की तरह काम करता है, तो इसका नाम रखा गया है स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट है जो कि व्हीलर आइलैंड है हमारे उड़ीसा पे, वहां से किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ठीक है, कि एक तो हाई रेंज के ऊपर जाना, एल्टीट्यूड के ऊपर जाके ऊपर से जो है रिलीज करना टॉर्पेडो को, ओके, वेलोसिटी जो है उसका मैकेनिज्म चेक करना, ये सारे सक्सेसफुल है जो कि रहे हैं। तो स्मार्ट क्या है, एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज है एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम का, समझ गए मेरी बात? तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके गाइज? कई सारी लेबोरेटरीज के अंदर इसके अंदर काम किया है। आगे बात करते हैं, ये देखिए मैक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। सबसोनिक का मतलब होता है जब 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड होती है ये 1 मैक के बराबर होती है, तो अगर 1 मैक से कम हो स्पीड तो सबसोनिक स्पीड होती है, बराबर होने पे ट्रांसोनिक, ज्यादा होने पे सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से ज्यादा की स्पीड किसी चीज की होती है तब हम उसको हाइपरसोनिक है जो कि कहते हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, इंडिया म्यांमार एग्री टू ऑपरेशनलाइज सिटुवे पोर्ट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो हमारे लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी था, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सिटवे पोर्ट, जो कि अभी 2021 के अंदर इसको ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। इंडिया और म्यांमार दोस्तों इसको स्टार्ट कर रहे हैं, रखाइन स्टेट के अंदर है, और अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच में डिस्कशन हुआ था, है ना, तो वहीं पर इसका अनाउंसमेंट है जो कि दोस्तों किया गया है। इससे हमारे कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर काफी चीजें जो कि काफी बेटर हो जाएगी, ठीक है? इंडिया ने भी दोस्तों $2 मिलियन है, US डॉलर है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए दिया था एक ब्रिज बनाने के लिए, ताकि मिजोरम म्यांमार के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके। दिख रहा है आपको यहाँ पे सिटवे पोर्ट, ये दिख रहा है आपको? तो हमने दोस्तों कोलकाता से पहले तो क्या किया, सी रूट के ऊपर काम किया, फिर यहां से हम लोग लैंड का रूट बना रहे हैं, ओके, एक हाईवे जो है वो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे मिजोरम तक भी सामान पहुंच सके म्यांमार से होता हुआ। इसको रिवर कालाधन है उसके ऊपर दोस्तों, ये रिवर प्रोजेक्ट है, ये रिवर है, ये लैंड का प्रोजेक्ट है, ये ओशन का प्रोजेक्ट है, इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया और म्यांमार की बात करें दोस्तों तो काफी पुराने रिश्ते हैं, म्यांमार एशियन का मेंबर है, ठीक है, साथ में बिम्स्टेक का भी मेंबर है, बिम्स्टेक का इंडिया है, एशियन का इंडिया नहीं है, ओके गाइज? और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं म्यांमार और इंडिया के बीच में, चिकन नेक प्रोजेक्ट है जो कि इसको कहते हैं। हमारी जो ईस्ट लुक पॉलिसी के अंदर सबसे पहला ही म्यांमार पड़ता है दोस्तों, तो म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होना बहुत जरूरी है। 10 एग्रीमेंट है जो कि रिसेंटली हमने साइन किए थे इसके साथ में, जब इनकी प्रेसिडेंट जो है यू विन मिंट है, जो कि इंडिया के विजिट के ऊपर आई थी, ओके गाइज? और हालांकि म्यांमार भी चाइना के काफी क्लोज जा रहा है, रिसेंटली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है,
जैसे कि चाइना पाकिस्तान बन रहा है ना, वैसे चाइना म्यांमार भी एक कॉरिडोर है जो कि बना रहा है, जो कि इंडिया को लेकर काफी टेंशन वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं। MOHUA एंटर किया है MOU स्विगी के साथ में, ताकि स्ट्रीट फूड वेंडर ऑनलाइन जो है उनको लेके जा सके पीएम स्वनिधि स्कीम के साथ में। थोड़ा डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली में है क्या। जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या किया, MOU साइन किया है स्विगी के साथ में। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये, क्या करेगा जो हमारे स्ट्रीट के ऊपर जो होते हैं ना वेंडर, अरे ठेले वाले नहीं होते क्या, उनका फूड भी क्या करेगा ऑनबोर्ड करके डिलीवर करेगा, ताकि उनकी भी इनकम है जो कि बढ़ सके। आपको मालूम है स्ट्रीट फूड इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, बहुत जगह पे स्ट्रीट फूड इंडिया का बहुत जबरदस्त होता है। मतलब रियलिटी वैसे ये है कि आप 5 स्टार होटल में खाना खाओगे और स्ट्रीट के ऊपर खाना खाओगे ना, मतलब ये मेरे विचार है, हो सकता है कि किसी और के अलग हो। जैसे कि मैंने जितने भी 5 स्टार होटल में डिनर किया है, लंच किया है, वहां से ज्यादा टेस्टी आपको स्ट्रीट के ऊपर जो फूड मिलता है ना वो वाला ज्यादा टेस्टी होता है, समझ रहे हो मेरी बात। और प्राइस की बात करें तो प्राइस में 50 गुना ज्यादा कम होता है। 5 स्टार होटल में अगर आप डिनर करोगे तो 500 रुपए लगेंगे, और अगर आप किसी स्ट्रीट के ऊपर अगर आप अच्छा कोई भी अगर हफ्ते में जैसे कि एक बार अगर आप कुछ भी अटरम चटरम कुछ खाते हो अगर, तो स्ट्रीट फूड अगर खाओगे तो मेरे ख्याल से वहां पे 200-300 रुपए में आपका काम हो जाता है। ठीक है गाइस, बस कोशिश करिएगा कम से कम यूज करने की, हफ्ते में एक बार खा लिया करो, बाकी इससे ज्यादा मत खाया करो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम आपको मालूम है, जिसको पीएम स्वनिधि स्कीम कहते हैं, जिसमें 250 वेंडर को जो है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी 5 जगह पे ऑनबोर्ड है, जो कि स्विगी द्वारा किया गया है। उनका पैन कार्ड बनाया जाएगा, FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। काफी अच्छी बात है स्कीम है, अगर काफी सही मतलब चीजें अगर हमारे स्ट्रीट वाले जो है ना फूड वाले डिलीवरी वाले अगर उनकी भी परमानेंट सेटलमेंट कर दिया जाए शहर के अंदर, सही जगह देके उनको, और उसके बाद में उनका फूड भी अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पीएम स्वनिधि के बारे में। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आकर 10 लाख करोड़ की योजना जो है वो दी थी, जिसमें 10 रुपया का भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। उसी के अंदर आपको मालूम है गाइस पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में बोला था। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ, तो ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं फैक्ट के साथ में बोल रहा हूँ, समझ गए मेरी बात। अगर आप देखोगे ना जो ये बोला गया था कि जीडीपी का 10% अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये एक्चुअली में 1% से भी कम का था। उसका पूरा डाटा अवेलेबल है, पूरे फैक्ट्स अवेलेबल है, तो मैं समझ रहे हो 10 रुपये का मतलब, तो 10 रुपये तो एक तरीके से वो होता है एक अपना क्या बोलते हैं अपन स्लोगन के टाइप होता है, मतलब कहने का मतलब इसका फायदा नहीं। और आपने देखा होगा कई सारे गोल्ड बैंक शेक से लेकर एडीबी से लेकर बहुत सारे रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया था कि 10% जीडीपी का ये है ही नहीं, एक्चुअली में ये 1% से भी जीडीपी का कम है, क्योंकि उसके अंदर जो मेजरली अनाउंसमेंट है वो सारे लोन के थे, तो मतलब लोन ले हुए तो देना भी तो पड़ेगा। जैसे कि यूएस के अंदर आपको पता नहीं होगा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी कंट्रीज है ना, वहां पे $2,000 जो है पर पर्सन COVID-19 में पर मंथ पैसा है जो कि दिया गया है हर एक आदमी को घर घर चलाने के लिए। $2,000 का मतलब होता है 1.5 लाख रुपया, चलो रुपए में मत काउंट करो आप, तो डॉलर में कर लो क्योंकि उनको तो डॉलर में खर्च करना है। तो $2,000 काफी अच्छा अमाउंट होता है एक महीना निकालने के लिए बाहर की कंट्री के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पे 500 रुपये दिया गया, और वो भी आपको मालूम है मतलब बड़े मुश्किल से मिला है। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर ज्यादा पैसे 5,000 रुपये भी अगर सबके लोगों के अकाउंट में जो गरीब लोग हैं उनके मिलते, तो लोग अपने घर छोड़ के शहर को छोड़ के पलायन नहीं करते, हजारों किलोमीटर पैदल नहीं चलते, उनकी मृत्यु नहीं होती, भूख से नहीं मरते, समझ रहे हो वो वाली बात है। तो ये रियल इनिशिएटिव थे जो रियलिटी में काम में आते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, 10,000 रुपये का लोन है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए हर जो स्ट्रीट वेंडर होगा ना उसको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसको मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। 7% सब्सिडी है जो कि उसको मिलेगी रीपेमेंट करने के ऊपर। ठीक है गाइस, और ये भी यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, कोई नो पेनल्टी जो है अर्ली रीपेमेंट करने के ऊपर नहीं है। अभी तक ऐसा बोला गया है कि 20 लाख एप्लीकेशन है जो कि इसके अंदर आ चुकी है, 7.5 लाख लोगों को इसके अंदर लोन भी जो कि मिल चुका है। आगे बात करते हैं, जस्टिस एएस दवे फॉर्मर जज एंड एक्टिंग सीजे ऑफ गुजरात एससी पासेस अवे। ठीक है, तो फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जो थे अनंत कुमार दवे जी, उनकी मृत्यु हो गई 62 एज के अंदर। ठीक है, इस गुजरात के अंदर इन्होंने काफी टाइम तक काम किया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रल प्लान कर रहा है अपग्रेड करने को लेकर जू को पीपीपी मॉडल के ऊपर। पीपीपी
पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर दोस्तों काम करने को लेकर बोला जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नई पॉलिसी बना रहे हैं अपग्रेड करने को लेकर, डेवलपमेंट करने को लेकर जू को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरे देश में, ताकि एंकरेज कर सके वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के इंटरेक्शन को, और लोग पास से जो है वाइल्ड लाइफ को महसूस कर सके, देख सके। ठीक है, तो अच्छा इनिशिएटिव है यार। आपको मालूम है जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जू है ना, उनकी हालत पर बड़ी खराब हो रखी है आज के टाइम पे। जयपुर के अंदर भी एक जू हुआ करता था बेचारा, उसकी भी हालत बड़ी खराब है। तो पहली बार है जो कि ऐसा किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, ओके, वहां से इसकी शुरुआत है जो कि करी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली जू डूइंग इट बिट, तो आपको मालूम है गाइज। ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू जो इकोसिस्टम की जो है ना, सर्विसेज की जो कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है, वो बहुत ज्यादा होती है वैल्यू। और इसके अंदर क्या होता है कि पैसे भी चाहिए होते हैं आपको जू को चलाने के लिए। लैंड की वैल्यू देखिए कितनी जबरदस्त है, 55,000 करोड़ की है, समझ रहे हो, 55,000 करोड़ की वन टाइम कॉस्ट है इकोनॉमिक सर्विसेज की और वैल्यू ऑफ लैंड की जहां पे जू बना रखा है। तो क्यों ना इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, क्यों ना बच्चों को यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूक किया जाए, क्यों ना यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कल्चर के बारे में, बिहेवियर के बारे में सिखाया जाए बच्चों को। हर एक स्कूल के लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए कि हर एक महीने के अंदर एक जगह उनका कोई ना कोई एक ऐसा आउटडोर ट्रिप है जो कि होना, जिसमें उनको जू लेके जाया जाए। वहां पे वो है नहीं जू में ले जाके छोड़ देते हैं, हर एक जानवर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताया जाए, उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया जाए, उनको कैसे बचाना है, उनके कंजर्वेशन को लेकर, कितने जानवर मर रहे हैं, कितने मीट का प्रोडक्शन, कितना ज्यादा जो है एक्सपोर्ट लेदर जो है बनता है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफी फर्क है जो कि स्कूल के एजुकेशन में पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, दिल्ली जू की बात करें तो 1959 में इसका शुरुआत करी गई, 176 एकड़ के अंदर है और 26 यहाँ पे एग्जॉटिक स्पीशीज है मैमल के। इंडियन स्पीशीज जो है वो 73 है, टोटल ट्रीज के 123 है, और 27 लाख लोगों ने दोस्तों विजिट किया था 17-18 के अंदर। ठीक है, चलिए, जूलॉजिकल पार्क या जू दोस्तों एक फैसिलिटी होती है जो कि इनको अपन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ एनिमल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जब भी कोई नेचुरल हैबिटेट के बाहर आप कंजर्व करते हो किसी भी एनिमल को, तो अपन उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। उसी प्रकार से इन सीटू भी होता है जहां पे नेचुरल हैबिटेट उनको आप अवेलेबल करवाते हो, जैसे कि नेशनल पार्क और बाकी सब हो गया ना, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों अलग अलग होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क उससे लार्ज होता है, और सबसे लार्जेस्ट होता है इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल पार्क को भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट है जो कि बनाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पीशीज के ऊपर बात होती है, नेशनल पार्क के अंदर एनिमल के ऊपर बात होती है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबके ऊपर बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, सबके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वर्चुअली इनॉग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद रीजनल सेंटर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी आगरा। तो रमेश जी ने दोस्तों क्या किया है, इनॉग्रेट किया है नई बिल्डिंग है जो कि हैदराबाद का रीजनल सेंटर है जो कि बनाया गया है दोस्तों। इसका नाम केंद्रीय हिंदी संस्थान है, 1960 में इसको बनाया गया था दोस्तों, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी का आगरा के अंदर अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और हेडक्वार्टर भी इसका इंस्टीट्यूट का आगरा के अंदर ही है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU 10 या फिर भुवनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, IIT, CAT कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। SSC में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री की शुरुआत करने वाला हूँ 2-3 दिन बाद से। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कभी तो ज्वाइन करिएगा, मजा आ जाएगा आपको हिस्ट्री पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। ऐसी हिस्ट्री शायद ही कभी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर आप SSC का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें CGL, CHSL, JEE, MTS, GD सबका कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ में। मेरा जो हिस्ट्री है वो 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्री क्लासेस जो है UPSC की 10 बजे, SSC की 11,
और रेलवे के दिन में 2 बजे दोस्तों आज स्पेशल क्लास। यूपीएससी की तैयारी के लिए मिशन यूपीएससी सीएससी चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं यहाँ पे पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ, डिटेल में देखिएगा। आज का महत्वपूर्ण सवाल, स्मार्ट में एस का अर्थ क्या है? सिटवे बंदरगाह कौन से देश में है? कौन सी कंपनी के साथ में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा पार्टनरशिप करी गई है? देव साहब कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे? केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।